नरेंद्र मोदी सरकार के आखिरी मॉनसून सत्र का आगाज आज 18 जुलाई 2018 को हो गया है। एक रिसर्च के अनुसार इस सत्र में कुल 68 बिल ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन क्या उम्मीद की जाए कि इन बिलों पर चर्चा हो जाएगी इस सत्र में, क्योंकि पिछले सत्र में बजट सत्र में केवल 3 मिनट राज्यसभा में केवल 3 मिनट तक विधेयकों के ऊपर चर्चा हो पाई थी, जबकि लोकसभा में केवल 14 मिनट ही विधेयकों के ऊपर चर्चा हो पाई थी। बाकी के 200 घंटे तक केवल शोरगुल और आरोप प्रत्यारोप करते हुए निकाल दिए गए थे। बुधवार को मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने मॉब लिंचिंग मामले पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने की मांग को लेकर तेलुगु देशम पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस और टीडीपी सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई, जिसे लोकसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया। अब शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा होगी। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सत्र में डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होना है। कांग्रेस चाहती है ये पद उसके पास बना रहे, लेकिन एनडीए और टीएमसी इस पद पर दाव लगाए हुए हैं। राज्यसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन विपक्ष एकजुट हुआ तो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक इस सत्र में 25 बिल लिस्टेड हैं जिन पर चर्चा होनी है, जबकि 18 नए पेश किए जाने हैं। इनमें बैंकरप्सी कोर्ट सुधार बिल 2018 जैसे महत्वपूर्ण बिल हैं। इसके अलावा मुस्लिम वुमन बिल 2017 और ट्रांसजेंडर पर्संस बिल 2016 सबसे ज्यादा जरूरी बिल हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसके अलावा संसद में इस बार मॉब लिंचिंग, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई उछाल, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, बैंकों में होने वाले फ्रॉड, सांप्रदायिक हिंसा जैसे मामले गूंज सकते हैं। मॉनसून सत्र पर नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष दोनों की ही निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के लिहाज से और विपक्ष के लिहाज से, दोनों ही लिहाज से ये सत्र सबसे ज्यादा क्रूशियल है। इसमें पास होने वाले विधेयकों के ऊपर सरकार काम करेगी, इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ऐसी किसी भी बहस से बचना चाहती है जो लंबी खींचे और जिसका कोई हल ना निकले। कैमरामैन संजय के साथ मैं जनार्दन। नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष दोनों के लिए ये मानसून सत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिरी के कुछ महीनों में नरेंद्र मोदी सरकार अपना काम करना चाहती है, जबकि विपक्ष इन्हीं महीनों में चाहेगा कि वो अपना प्रभाव दिखाए। ऐसे में इस सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी ऐसे बहस से बचेगी जिसका कोई हल ना निकले।